जो दिखता है वही बिकता है, जो चलता है वो सिक्का है। लेकिन हर चमकने वाली चीज को सोना नहीं कहा जाता। परखने को आंखें चाहिए होती हैं और दीदार को दृष्टि। किसी का पाप किसी का पुण्य हो सकता है, किसी का धर्म किसी का अधर्म हो सकता है। वेलकम टू माय शो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी में मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का एक बार फिर तहे दिल से स्वागत करती हूँ और आपको बताती हूँ सही और गलत के मायने देश काल और परिस्थिति के अनुसार लोगों की दृष्टि में बदलते रहते हैं। आज जो स्थिति आपके लिए है हो सकता है वो दूसरे के लिए बहुत ही खराब हो, लेकिन आप उस स्थिति से गुजर रहे हैं इसलिए आपको उस स्थिति से बाहर निकलना है। और उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए जो भी आप करेंगे आपकी प्राणों की रक्षा के लिए करेंगे वही सही है, चाहे वो दूसरे की दृष्टि में गलत है, चाहे फिर जमाना आपसे कहता रहे कि आपने गलत किया, लेकिन आपने अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए जो किया वो ठीक किया। कहते हैं स्व प्राण की रक्षा करना ही सबसे बड़ा धर्म है इंसान का। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के तहत मैं ये हमेशा बताती रहती हूँ कि शरीर की इज्जत करिए, क्योंकि ये शरीर ही आपको ले जाता है परमात्मा की ओर, ये शरीर ही माध्यम बनता है। अगर आप किसी दूसरी जून में होते, अगर आप कोई दूसरे प्राणी की तरह होते, किसी दूसरे पशु पक्षी की तरह होते, तो ये संभव ना हो पाता कि आपसे ईश्वर का मिलन हो। तो देखिए ले चलती हूँ आपको आज के टॉपिक की ओर। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के तहत आज मैं बात कर रही हूँ आपके स्किन, आपके हेयर्स और उनके रख रखाव की। दोस्तों कहते हैं कि चमड़ी से लोगों को पहचानना नहीं चाहिए। चमड़ी काली या गोरी जैसी भी हो इंसान सुंदर ही होता है, क्योंकि उसके अंदर के गुण जो होते हैं वो उसकी चमड़ी पर हावी होते हैं। जरूरी नहीं कि आपकी चमड़ी सफ़ेद हो और लोग आपको सुंदर कहें। जब आपके गुण अच्छे होते हैं तब भी लोग आपको सुंदर कहते हैं, लेकिन अगर आप चाहती हैं कि आपकी चमड़ी सुंदर हो तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि चमड़ी रिलेटेड किससे होती है। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के उपायों के तहत चमड़ी रिलेटेड होती है बुध से, और बुध जो है वो किस में बसता है, बुध बसता है ग्रीनरी में, बुध बसता है बी कॉम्प्लेक्स में, बुध बसता है विटामिन जो आपको मूंग से पाई जाती है, मूंग जिसे हरी मूंग जिसे कहते हैं, और हरी हरी चीज़ें खाने वाली जिससे आपको बनता है आपका बी कॉम्प्लेक्स और साथ साथ में ब्लड, ग्रीन ब्लड जैसे कहते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी आप हरी चीज़ें खाएंगे, तुलसी के पत्ते कहिए या पालक कहिए या हरी मूंग कहिए, जब ऐसी चीज़ें खाएंगे तो आपका ग्रीन ब्लड यानी कि आपके ब्लड की बढ़ोतरी होगी और आपके व्यवसाय की तो उन्नति होगी, लेकिन साथ साथ आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी। बाल यानी कि शनि के द्योतक होते हैं बाल, और बाल शनि के ही द्योतक होते हैं चाहे आप किसी भी लग्न के हों। ऐसी स्थिति में ये देखना जरूरी है कि आपका लग्न अगर बुध था तो आपके बालों में अगर आप पीला तेल लगा रहे थे और लग्न बुध है तो वो आपको तेल कारगर काम नहीं कर रहा था। आपको क्या करना था, आपको लेना था हरा तेल जो बुध से रिलेटेड था, और आपको हल्के हल्के उसकी प्राणिक हीलिंग करके मालिश करनी थी। जैसे मैंने आपको प्राणिक हीलिंग के एपिसोड में बताया था कि ढेर सारी बातें हैं प्राणिक हीलिंग के दौरान, तो ये भी एक प्राणिक हीलिंग है कि तेल में उंगलियां डुबोकर ऐसा महसूस कीजिए कि आपकी उंगलियां राम राम करती हैं या कोई भी मंत्र बोलती हैं, चाहे प्रेयर हो चाहे आपकी प्रार्थनाएं हो, और आप अपने बाल में अप्लाई करिए, देख के आपके बाल कितने सारे आ जाएंगे। यही नहीं, अपने बालों के लिए आपको धोने की जब जरूरत होती है बालों को, तो ऐसी स्थिति में आप शैम्पू या कौन सा साबुन या कौन सी ऐसी विधा अपना रहे हैं जो आपके बालों से रिलेटेड है। जैसे कि कई तरह के कलर्स के शैम्पू मिलते हैं, आपको कलर्स का भी चयन करना पड़ेगा। आपको कलर्स का इस विधा में कि आपकी लग्न और राशि से जुड़ता हुआ कलर है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा। अब जब इनके रखरखाव की बात आती है तो कोई भी चीज़ सहेज के रखी जाए तो वो अच्छी रहती है। अपने स्किन का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग मत कीजिए। जब कभी आप बाहर से आइए तो अपने स्किन को सहलाइए। आपकी स्किन ही ऐसी चीज़ है, चार दिन आप क्रीम लगाएं या चार दिन आप दूध से नहाएं, दूध से नहाने से भी स्किन अच्छी हो जाती है। पुराने ज़माने में दूध की बाल्टियों में या टब में रानी महारानियाँ बैठती थी, इस ज़माने में ये हो नहीं सकता और संभव नहीं। फिर भी आप थोड़ा सा दूध लेके एक कटोरी में अप्लाई कर सकते हैं, मुँह पे मलाई अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी स्किन चमकना शुरू हो जाएगी। बड़ी सेंसिटिव सी होती है स्किन, चार दिन उसको आप थोड़ी सी चीज़ें अप्लाई करते रहें जो शुक्र से रिलेटेड होती हैं, दूध और मलाई, उससे आपकी स्किन में जो है तजेला आ जाता है। तो जो ये मलाई और जो दूध है तो शुक्र किससे रिलेटेड होता है, ब्यूटी से,
और जो बालों की हमने बात की तो बालों को संवारते रहिए, वो टूटते झड़ते क्यों हैं, क्योंकि आप खुले रख के घूमती हैं पोल्यूशन में और उसके बाद आके उसमें मसाज नहीं करती, उसे आप खोल देती हैं। या मर्दों के लिए भी मैं कहूँगी कि बुरी तरह उसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि आपको ईश्वर ने मुफ्त में दे दिए इसलिए आपने उसको मुफ्त में उजाड़ दिया। जी नहीं, ये चीज़ें आपका ज़िंदगी भर अगर साथ निभाएं तो आप खूबसूरत लगेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में दोस्तों जो ईश्वर ने आपको दे के धरती पर भेजा था, लेकिन आपने उसका दुरुपयोग किया, आपने उसको सहेज के नहीं रखा, आपने समय की कमी बताई और हमेशा कहा कि मेरे पास समय नहीं इन चीज़ों के लिए, फिर ये चीज़ें आपके लिए समय नहीं रखती। बहुत बुरी बात है ये। आज ही से इस चीज़ में सुधार लाइए और अपनी स्किन और बालों का रखरखाव ठीक कीजिए। चलिए देखती हूँ कौन ऐसा सुंदर है जो बालों का और स्किन का रखरखाव ठीक रखता है और अपने आप को फिट रखता है। मिलवाती हूँ आपसे। हादसों की बज्म में रहना अब मुझे भाता नहीं, है कौन सा वो पल जो मुझसे घबराता नहीं। आपकी जिजीविषा इतनी बढ़ जानी चाहिए, आपकी परफेक्शन इतनी बढ़ जानी चाहिए, आपको परफेक्ट होने की दिशा पर यूं चलना चाहिए, कुछ यूं कहना चाहिए कि तेरा शौक इतना बढ़ा चाहिए कि मंजिल पुकारे यहाँ हूँ यहाँ। वेलकम टू माई शो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हमारा स्टूडियो कुछ जगमगा रहा है। क्यों जगमगा रहा है? हमारे साथ है एक ऐसा व्यक्तिमत्व जो बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट और साथ साथ बहुत ही ग्रेसफुल, ग्रेसफुल यानी कि ग्रेसी सिंह मेरे साथ हैं। थैंक यू ग्रेसी फॉर कमिंग टू माई शो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी। आप हमारे स्टूडियो में आई और ग्रेस बढ़ाई इस शो की, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। ग्रेसी, आपकी फिल्म रिलीज हुई है देख भाई देख, तो कुछ कहेंगी आप इसके बारे में? ये फिल्म भी बहुत स्पेशल है क्योंकि एक अलग तरह की कहानी है। इसमें भी एक ऐसा गाना है राधा कृष्ण के ऊपर मंदिर में, तो मुझे एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुई। और एक गाना है बांवरी हूँ मैं, जी करता है उड़ जाऊँ पंख लगा के आसमान पे, तो वो सुनते ही मुझे लगा ये फिल्म करनी चाहिए। मैंने फिल्म की कहानी भी नहीं सुनी थी तब, लेकिन जब स्टोरी सुनी तो उसमें एक इतनी वैरायटी है। एक सिंपल सी लड़की जब एक सिचुएशन सीरियस होती हो तो एग्रेसिव कैसे बनती है, एंड यू नो हाउ शी बिकम्स अ लीडर ऑफ अ ग्रुप। तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग। और अलग लुक है इस फिल्म में, एक रियलिस्टिक होने के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी बहुत है। पहले मैं आपसे पूछूंगी कि ग्रेसी आप नाचती बहुत अच्छा है, आपकी नाच में जो एक डिवाइन वो है ना लुक है वो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमें मैंने ही नहीं कई दर्शकों ने देखा है कि नाचना, देखिए नाचना बहुत लोग नाचते हैं नाचने के लिए, कुछ ऐसे कलाकार हैं जो नाचते हैं तो उसमें डिवाइन पावर के जो एहसास होता है अंदर से वो आता है, वो आपके चेहरे पर भी है, तो ये सात्विकता कहाँ से आई ग्रेसी? ये मुझे लगता है कोई भी तरह की जो कला है वो एक गॉड गिफ्ट होता है, उसमें भी एक गॉड का रूप है। सो एनी फॉर्म ऑफ आर्ट हैज़ अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। तो डांस में भी क्योंकि इट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॉर्ड शिवा, तो जो फॉर्म मैंने सीखा है भरतनाट्यम, इसलिए वो करते वक्त भी एक ऐसा लगता है कि भक्ति की फीलिंग आती है। आपने आज तक जितने रोल भी किए हैं ग्रेसी बहुत ग्रेसफुली किए हैं और अपने दायरे में रहते हैं। मुन्ना भाई MBBS मुझे आज भी याद है, जब हम रोल करते हैं तो आई ट्राई टू लिव दैट रोल, कि अगर मैं ऐसी होती, अगर मैं डॉक्टर होती तो कैसे बिहेव करती, तो उस तरह से नेचुरली मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है परफॉर्म करके। फिर जो भी रिजल्ट आता है, फिर हमारे गाइड करने के लिए डायरेक्टर्स तो हैं ही, और आई एम वेरी फॉर्चुनेट आई वर्क विद सम जीनियस पीपल, तो इसलिए जब आप रोल लिव करना शुरू हो जाते हो तो ऐसे में कई बार बाहर निकलने को भी तकलीफ होती है आर्टिस्टों को, कभी आपने ऐसा महसूस किया? नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि कहते हैं ना माइंड स्विच ऑफ स्विच ऑन करना, हाँ जी ये बहुत मुश्किल होता है स्विच ऑफ स्विच ऑन करना का। आपने कैसे सीखा है ये? क्या आपके परिवार में कोई आर्टिस्ट हैं या आपने स्वतः ही मतलब इस कोशिश की है? नहीं, बस खुद ही कोशिश की है। माय मम्मी इज अ स्कूल टीचर, तो आर्टिस्ट आर्ट फील्ड में तो नहीं है, मगर सपोर्ट मुझे बहुत किया मेरी फैमिली ने, तो इसलिए आई एंजॉय बीइंग एन एक्ट्रेस, हर तरह के किरदार प्ले करना। मैं सिर्फ प्रेजेंट में ही ज़्यादा इन्जॉय करती हूँ, कि मुझे अभी आज का ही इम्पोर्टेंट लगता है, ना पास्ट ना फ्यूचर, मैं कुछ नहीं सोचती उसके बारे में। कहते हैं ग्रेसी की ज़िंदगी आपको तोहफे में मिलती है, लेकिन ज़िंदगी हरदम आपके लिए तोहफे नहीं लाती है ना। हमारा ये शो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बात करता है आत्म उन्नति की, हमारा ये शो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी बात करता है कि अपनी रेमेडीज खुद कैसे की जाती हैं, अपना जोडियक साइंस, अपना लग्न और अपनी राशि जानकर।
क्योंकि इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं वो किसी न किसी ग्रह के साथ जुड़ी हुई हैं, ऐसा हमारा मानना है। तो कभी आपने ऐसी भविष्यवाणियों पर या कभी आपने एस्ट्रोलॉजी में कितना बिलीव किया अग्रेसिव? एक्चुअली उन्नति तो वही है, जब अगर आपको अंदर से खुशी है किसी चीज़ की और कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, एक तो अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है कि बिलीव इन योर सेल्फ एंड देन जस्ट डू एंड बी कॉन्फिडेंट। और मैं ये भी बिलीव करती हूँ कि जैसे कि आप कर्म करते हैं तो आपकी डेस्टिनी चेंज होती रहती है, तो इसलिए एस्ट्रोलॉजी में मैंने कभी गौर नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, बट आई जस्ट नहीं एस्ट्रोलॉजी पे अब आप गौर जरूर करेंगी क्योंकि हमारा ये शो ऐसा ही है। इस शो के बारे में थोड़ा मैं आपसे और बताऊंगी। ग्रेसी, जैसे कि दुनिया में ये यूनिवर्स में जितने ग्रह सितारे चांद ब्रह्मांड में जो भी घूम रहा है और ये ब्रह्मांड में जो घूमने वाली चीज़ें हैं ये बढ़ जाती हैं अग्नि जल धरती वायु और आकाश में, और वही हमारी बॉडी में होता है पंच तत्व और वही बाहर होता है, तो वही चीज़ें आसपास सब होती हैं, जैसे ये पानी है या पेपर है या आपकी कमीज का कलर है या आपकी स्किन का कलर है, ये सब किसी न किसी ग्रह को डिनोट करता है। जब आप पैदा होते हैं उस समय की जो ग्रहों की स्थिति होती है उसी अनुसार आपके जो चेहरे पर शांति होती है या चेहरे पर खूबसूरती होती है या स्किन का कलर अच्छा होता है। बात कर रहे थे हम ग्रेसी सिंह से और हमने इनकी कुंडली के बारे में बहुत चर्चा की। ग्रेसी अपने आप में ग्रेसफुल है, नाम की तरह इन्होंने बहुत शालीनता से अपना अभिनय अपनाया है। अभिनय जो भी अपनाते हैं उनको हर तरह के चैलेंजेस फेस करने होते हैं, लेकिन बहुत ही ग्रेसफुली इन्होंने अपने चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, ये आप सब देख रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। मैं इनको शुभकामनाएं देती हूं और इसी के साथ इनका धन्यवाद करती हूं। धन्यवाद ग्रेसी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय शो, बीइंग हियर, वंडरफुल टॉकिंग टू यू। थैंक यू ग्रेसी, धन्यवाद। तो दोस्तों, ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी शो में जैसे कि मैं जाते हुए हमेशा आपको संदेश देती हूँ कि पौधे लगाइए। पौधे अगर तुलसी के हों तो बहुत अच्छे होते हैं। पौधे लगाने से जो तुलसी से हवा आती है ना, कहते हैं पुराने ज़माने में दरवाजे के बाहर तुलसी को लगाया करते थे जिससे नेगेटिविटी कट होकर दरवाजे के अंदर आती थी। तो तुलसी का पौधा अगर आप दरवाजे पर लगाते हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपको कोई फ्लैट है तो आप उसको बारियों में 3-4 कोनों में सब जगह लगाइए। और दूसरी बात कि वृद्धों की सेवा करिए आप, क्योंकि जितने आपके घर में बुज़ुर्ग होते हैं वो आपका चेहरा तकते हैं और आपकी मदद चाहते हैं। ऐसे में अगर आप बुज़ुर्गों की सेवा करते रहें तो आपको आशीर्वाद मिलता रहता है और उत्तर आपकी उन्नति होती रहती है। इसी संदेश के साथ मैं कामिनी खन्ना आप सभी दर्शकों से आज्ञा चाहती हूँ, फिर मिलूंगी, नमस्कार। शुभ संकेतों और शुभ चीज़ों के खरीददार तो सभी होते हैं, लेकिन इनकी पैदावार कैसे की जाती है इसका किसी को ज्ञान नहीं या जानना ही नहीं चाहता कोई, और ना ये जानना चाहता है कि अपने अंदर शुभ संकेत कैसे बढ़ाने चाहिए, कैसे अपनी आभा का विस्तार करना चाहिए, कैसे कहना चाहिए लोगों के आप आए और बाहर आई, आप किसी के घर गए और किसी ने कहा कि वेलकम, आप आइए, आपके आने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, या आपके आसपास के लोग कहें कि आप एक खुशगवार व्यक्तिमत्व हो। आप जब बात करते हैं तो आपके मुंह से फूल झड़ते हैं, आप जब बात करते हैं तो किसी का भला होता है, आप जब बात करते हैं तो लोग आपकी तरफ आकृष्ट होते हैं। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी सिखाती है ऐसी ही चीज़ों को, कांटेक्ट करते रहिए और सीखते रहिए हमारी ये सब बातें जो ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी सिखाती है। फिर मिलूंगी ऐसी कुछ बातों के साथ, तब तक के लिए आगे दीजिए कामिनी खन्ना को धन्यवाद और नमस्कार। लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़।